गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर विद ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेसन नंबर 2 फ्रॉम प्राइमरी ऑफ और पी वेव्स। प्राइमरी वेव्स मीन्स प्राथमिक तरंगे, जिसको कि पी के थ्रू हम बताते हैं। नाउ दिस आर द फर्स्ट वंस टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ आफ्टर एनर्जी इज इमिटेड इन द अर्थ इंटीरियर। They travel at a very fast speed from the focus of the earthquake in the radial direction. Subjected to a primary waves, particles in the rocks moved in the direction of waves to and fro. The waves moves to and fro. Therefore, these waves are also called a forward-backward waves. इसको forward और backward भी waves बोला जाता है। These waves can travel through all the three state, liquid, solid and gases. But while traveling through liquid medium, their direction get changed. It is because of primary waves that the buildings on the earth surface moved back and forth. Means भूकंप में ये जो प्राइमरी वेव्स जब आते हैं तब क्या होता है, भूगर्भ में ऊर्जा का उत्सर्जन होने पर ये तरंगे सबसे पहले भूपृष्ठ पर पहुंचती है, मीन्स अर्थ के सरफेस पे पहुंचती है जहाँ पे हम रहते हैं। भूकंप के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या पर, त्रिज्या मीन्स रेडियस, रेडियस पर सभी दिशाओं से भूपृष्ठ मीन्स अर्थ सरफेस की ओर तेज गति से आने वाली इन तरंगों को प्राथमिक तरंगे कहते हैं। जो सरफेस अर्थ सरफेस पर बहुत ही तेज़ी से आती है, ऐसे वेव्स को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव्स कहते हैं। इन वेव्स के कारण चट्टानों के कणों की हलचल ऊपर नीचे होती है, मीन्स ऊपर नीचे की तरफ ही हिलते हैं। इसीलिए इन तरंगों को आगे पीछे होने वाली तरंगे भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया, ऊपर नीचे होने के कारण इन्हें बैकवर्ड और फॉरवर्ड वेव्स भी कहते हैं। नाउ ये तरंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों के माध्यम से प्रवाहित हो सकती है। केवल लिक्विड लिक्विड इनके थ्रू से प्रवाहित होते समय इनकी जो दिशा में परिवर्तन होता है। लिक्विड में ये जब तरंगे लिक्विड एरिया सरफेस में हो से गुजरती है तो इनके जो डायरेक्शन में भी चेंजेस होता है। और जो प्राइमरी वेव होने के कारण जो अर्थ सरफेस है उस पर जो इमारतें हैं, मीन्स अर्थ सरफेस पे जितनी भी इमारतें होती वो क्या होती है, हिलने लगती है। Now, secondary or S waves. The waves which reach the earth surface after the primary waves are called the secondary waves. Primary waves के बाद में जो अर्थ के झटके लगते हैं, earthquake के, that is known as the secondary waves. These waves also scattered in all direction from the focus of earthquake. Their velocity मीन्स गति लेसर देन द पी वेव्स। मतलब ये जो सेकेंडरी वेव्स होते हैं वो प्राइमरी वेव से कम हार्मफुल होते हैं, मतलब उनका जो स्पीड होता है, वेलोसिटी होती है, वो कम होती है। द पार्टिकल्स लेइंग इन द वेव्स ऑफ दिस वेव्स मूव अप एंड डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। दिस वेव्स आर ट्रैवल ओनली थ्रू द सॉलिड मीडियम। देखो, प्राइमरी वेव्स जो था वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों मीडियम से जाता था, बट ये सिर्फ सॉलिड सॉलिड से ही ट्रैवल करता है, सॉलिड पार्ट से ही ट्रैवल करता है। दे गेट ऑब्जर्व्ड एज दे एंटर द लिक्विड मीडियम। द बिल्डिंग ऑन द अर्थ सरफेस मूव अप एंड डाउन बिकॉज ऑफ दिस वेव्स। दिस आर मोर डिस्ट्रक्टिव देन द पी वेव्स। मीन्स जो सेकेंडरी वेव्स होते हैं वो प्राइमरी वेव्स के बाद में पहुंचते हैं, मतलब इनकी जो स्पीड होती है वो कम होती है। और ये क्या होते हैं, ये जो तरंगे वो नाभि के केंद्र में सेंटर से इनकी सेंटर से ही सभी दिशा में फैलती है। इनकी जो गति होती है, वेलोसिटी होती है, वो प्राइमरी वेव से कम होती है। और ये तरंगों के कारण मार्ग में कणों की हलचल ऊपर नीचे होती है।
ये तरंगे सिर्फ ठोस पदार्थ से ही प्रभावित होती है, जैसे कि बताया मैंने सॉलिड से ही, लेकिन किंतु द्रव्य पदार्थों से प्रभावित नहीं होती है, बल्कि खंडित हो जाती है, ये ब्रेक होती है। इन तरंगों से मकान हिलते हैं, इसके लिए ये तरंगे प्राथमिक तरंगों से अधिक विनाशकारी मानी जाती है, और ये तरंगे जो सेकेंडरी वेव्स है, ये जो है प्राइमरी वेव से अधिक विनाशकारी होती है, क्योंकि ये सॉलिड से गुजरती है तो सॉलिड को पूरी तरीके से हिला देती है। सरफेस और एल वेव्स, दिस वेव्स आर जनरेटेड आफ्टर द मेन पी एंड एस वेव्स रीच द एपिसेंटर, दे ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ अलॉन्ग द क्रस्ट, दे आर हाईली डिस्ट्रक्टिव सिग्मोग्राम थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट, अ ग्राफ शोइंग मोमेंट ऑफ सिस्मिक वेव्स कैन बी जनरेटेड। आफ्टर स्टडिंग दिस ग्राफ द मैग्नेट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज नोन एज द फिगर 2.11, शो अ सैम्पल सिग्मोग्राम्स एंड सिग्मोग्राफ प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट। नाउ विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडवांस सिग्मोग्राम्स हैव बीन डिजाइंड विद देयर हेल्प, इवन माइक्रो सिग्मो सिस्मिक वेव्स कैन बी ऑल्सो मेजर्ड। मीन्स कि अर्थ सरफेस पर प्राथमिक मीन्स प्राइमरी और सेकेंडरी तरंगे पहुँचने के बाद उसका प्रभाव जो है वो अर्थ सरफेस के सेंटर पर पड़ता है, जिससे नई तरंगे निर्मित होते हैं, न्यू वेव्स तैयार होते हैं, और ये जो वेव्स होते हैं वो सर्कमफ्रेंस की दिशा में फैलते हैं, मतलब सर्कमफ्रेंस में अर्थ के साइड साइड में ये तरंगे अधिक विनाशकारी होती है। और इसमें साइस्मोग्राम बताया गया है, जो भूकंप मापक यंत्र होता है, मतलब भूकंप कितनी गति की है, उसकी वेलोसिटी क्या थी, ये हम इस सिस्मोग्राम से जानते हैं। इस यंत्र के माध्यम से भूकंप तरंगों का आलेख बनाया जाता है, मतलब ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ का अध्ययन करके भूकंप की तीव्रता को समझा जा सकता है। जैसे कि 2.11 को देखो, 2.11 ये है, ये सिंपल सिस्मोग्राम एंड ग्राफ है, मैश टेक्नोलॉजी मीन्स मशीन है, और इसके द्वारा हम कितना स्पीड है भूकंप का, अर्थक्वेक का, वो हम देख सकते हैं। अभी के समय जो सिस्मोग्राम है वो न्यू टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, अधिक एडवांस है, और इसके द्वारा हम छोटे से छोटे अर्थक्वेक को भी हम स्पीड को भी हम मेजर कर सकते हैं। अब ट्राई दिस, ये आपको ट्राई करके बोला है देखने के लिए। हैंग अ हैवी बैग और पाउच ऑन द हुक ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस एज इन शो फिगर 2.13, मतलब स्प्रिंग वाले भार तोलक, आपने देखा होगा भंगार वालों के पास ऐसा तोलक होता है, वजन नापते हैं इससे, ऐसा लो और उस पर एक वजनदार थैली लगा दो। पुल द बैग डाउन एंड रिलीज इट, ऑब्जर्व द स्प्रिंग एंड नोट द मूमेंट, मीन्स इस तरीके से लटकाओ और उसको खींचो, फिर देखो क्या होगा, वो पूरी तरीके से काटा जो है वो नीचे आ जाएगा, और जब इस तरीके से इसको छोड़ दोगे ऐसे, तो वो फिर अपने प्लेस पे चला जाएगा, जितना वेट होगा उतना ही वो बताएगा। नाउ ठीक है, एज शोन इन द फिगर 2.14, मेक द स्टूडेंट स्टैंड होल्डिंग द एंड्स ऑफ द रोप्स, आस्क वन स्टूडेंट टू गिव अ जर्क टू द रोप by pulling it up and down with the hand, observe what happened and note it moment of rope, spread rangoli on a large plate, flick on the lower side of the plate slightly with the finger, observe what happened।
Now, after you complete all these three activity given above, compare them with each of the seismic waves and identify which activity is similar or to which type of waves. मतलब ये आप करके देखो, और यहाँ पर देखो एक रस्सी दोनों ने पकड़ा और उसको ऐसे एक जगह पे स्ट्रेट है और दूसरी जगह पे ये ऐसे हिला रहे हैं ये लोग, तो वेव्स बन रहा है, बराबर ना। तो इसको हमें कंपेयर करके बोला है कि देखो कि ये किस वेव से मिलती है। ओके, नाउ इफेक्ट ऑफ अर्थक्विक। अर्थक्विक का इफेक्ट क्या होता है, असर क्या होता है अर्थ पे? क्रैक फ्रैक्चर्स डेवलप ऑन द ग्राउंड, जो अर्थ सरफेस है उस पर दरारें पड़ जाती है। कॉजेस लैंडस्लाइड्स विच लीड्स टू द स्लाइड ऑफ रॉक्स, मतलब भूकलन होकर चट्टानें गिरने लगती है। देखा होगा लैंडस्लाइड्स होता है, न्यूज़ में आते हैं। समटाइम्स द ग्राउंड वाटर चेंज इट्स कोर्स, फॉर एग्जाम्पल वेल मे गेट वाटर और मे ड्राइव अप। मतलब कुछ समय क्या होता है, जो भूमि का जल होता है, जो कुएँ होते हैं उसमें परिवर्तन आता है, डिफरेंस आता है। कुछ कुएँ तो सूख जाते हैं और कुछ में पानी आ जाता है अर्थक्वेक की वजह से। सम एरिया गेट अप लिफ्टेड वाइल सम मे सबसाइड, कुछ ऊँचे उठ जाते हैं एरिया तो कुछ ज़मीन के नीचे धस जाते हैं, जैसे कि हमने देखा था फॉल्ट माउंटेन और फोल्ड माउंटेन, ऐसा होता है। ठीक है, सुनामी आर जनरेटेड इन ओशन, दिस वेव्स कैन कॉज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज इन द कोस्टल एरिया। मतलब जो सुनामी आती है समुंदर में, इन अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है, सुनामी आ जाती है और उन लहरों से किनारे पर रहने वाले लोगों पर हानि होती है, आर्थिक दृष्टि से भी और जान मान भी जाती है। जैसे कि जापान में सुनामी आई थी, हमारे इंडिया में आया था, तमिलनाडु में, ऐसे। इन स्नो कवर्ड एरिया अ वॉलंच मे अक्योर, मतलब जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, स्नो हिमाचल प्रदेश होते हैं, ऐसे जगह पे हिम की चट्टाने गिर जाती है, जो आइस होते हैं वो आइसलैंड जो है वो गिर जाते हैं, आइस के जो पीसेस होते हैं वो गिरने लगते हैं भूकंप आने की वजह से। बिल्डिंग कोलैप्स एंड लॉस द लाइफ एंड प्रॉपर्टीज, जो मकाने होती है, बिल्डिंग्स होती है, वो सारे गिर जाती है और हमें इकोनॉमिकली भी हार्मफुल होता है और लाइफ भी जाती है, मीन्स प्रॉपर्टीज़ भी नुकसान होती है और जीवन भी नुकसान होता है। ट्रांसपोर्टेशन रूटिंग्स गेट डिस्टर्ब, जो ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता होता है, देखा होगा रोड वगैरह में क्रैक्स आ जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट करने में भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम कोलैप्स, मतलब कभी कभी क्या होता है, फ़ोन वगैरह भी काम करना बंद कर देते हैं, जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो अस्त व्यस्त हो जाती है। नाउ गिव इट अ ट्राई, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। गिव अ डेमोन्स्ट्रेशंस इन द क्लास, और क्लास में आकर बताओ। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड पिक्चर रिलेटेड एडवांस सिस्मोग्राम लाइक द वन शोन इन द फिगर 2.11, राइट अबाउट द इट्स वर्किंग मशीनिज्म्स इन योर ओन बुक। मीन्स आपके जो न्यू टेक्नोलॉजी का जो सिस्मोग्राम है उसको इंटरनेट के थ्रू निकालो और उसके बारे में जानकारी जमा करो। वेल्कनोज, हॉट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस मटेरियल आर थ्रोन आउट फ्रॉम द मेटल ऑफ द अर्थ ऑन टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेल्कोनिक इरप्शन। मतलब पृथ्वी के भूगर्भ से गर्म द्रव्य, दैट इज लिक्विड, सॉलिड दैट इज ठोस, एंड गैसी पदार्थ फेंके जाते हैं, है ना। अर्थ के अंदर यू नो वेरी वेल क्या है, अर्थ के अंदर लिक्विड, गैस और सॉलिड, इन तीनों फॉर्म में मिलने वाला मेटल है जो कि अर्थ के ऊपर ऊपर आता है और वो एक दिन ब्लास्ट हो जाता है, और ब्लास्ट के वजह से क्या होता है, वेल्कोनिक इरप्शन होता है और वहाँ से ज्वालामुखी निकलती है, और उस ज्वालामुखी में से
वाटर वेपर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्जिनस एंड इनफ्लेमेबल गैसेस निकलती है, बहुत ही जहरीले गैसेस निकलती है, और हॉट मॉल्टन मगमा एक्सेट्रा आर थ्रोन आउट. व्हेन द मॉल्टन मगमा कम्स आउट ऑफ द सरफेस इट इज़ कॉल्ड अ लावा. और इसी को क्या कहते हैं, जब वो मैग्मा जो है वो अर्थ के सरफेस पर आ जाती, निकलने लगती है, गरम गरम लिक्विड फॉर्म में बहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ इरप्शन वोल्केनोस कैन बी डिवाइडेड टाइप्स. नाउ इसी के आधार पर जो है वोल्केनो को डिवाइड किया गया है, जैसे कि सेंट्रल टाइप ऑफ और कॉलोनिकल वोल्केनो, मतलब केंद्रीय ज्वालामुखी. केंद्रीय ज्वालामुखी ड्यूरिंग इरप्शन द मॉल्टन मैग्मा कम्स आउट थ्रू अ पाइप लाइक अ वेंट इनसाइड द अर्थ सरफेस. द लावा स्पीड अराउंड द माउथ ऑफ दिस वेंट व्हेन द कम्स आउट एज अ रिजल्ट कोन शेप्ड माउंटेन स्टार्ट फॉर्मिंग एंड कॉनिकल वोल्केनो माउंटेन आर फॉर्म्ड. माउंट फुजियामा इन जापान एंड माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रल टाइप ऑफ वोल्केनो एंड कॉनिकल माउंटेन. मीन्स ये जो इरप्शन है, ये जो वोल्केनिक इरप्शन है, ये क्या होता है, सेंटर पार्ट में होता है, आंतरिक भाग में से एक नली जैसा मार्ग बन जाता है इसका, और वो नली से ही बाहर निकलती है. और इस प्रक्रिया में क्या होता है, ज्वालामुखी बाहर आए और पदार्थ नली के मुख के पास फैल जाता है. ऐसे देखो यहाँ पे बताया गया है, ये धीरे धीरे नली के रूप में आता है और यहाँ पे एक मुंह जैसा तैयार हो जाता है उसका, तो एक ये शंकुआकार हो जाता है, कॉनिकल हो जाता है. कॉनिकल मीन शंकुआकार हो जाता है और शंकुआकार पर्वत का निर्माण होता है, और इसी को हम कहते हैं सेंट्रल टाइप और या फिर कॉनिकल वोल्केनो, जो कि ऐसा वोल्केनो जो है वो जापान में फ्यूजियामा और तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत इसका एग्जाम्पल है. ओके नाउ फिजियोटाइप वोल्केनो मीन्स भ्रंशीय ज्वालामुखी. फिजियोर मीन्स भ्रंशीय, जिसमें क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं, दैट इज द फिजियोर. जैसे ड्यूरिंग द इरप्शन व्हेन द मैग्मा कम्स आउट नॉट फ्रॉम अ सिंगल वेंट बट फ्रॉम मैनी क्रैकर्स, मतलब इनका एक सिंगल लाइन नहीं होता, जैसे कि इसमें कॉनिकल में एक पाइप के थ्रू रहता है, वो ऊपर आते हैं और मुंह बनाते हैं और फट जाते हैं, बट इसमें कोई मुंह नहीं होता है, ये कहीं से भी निकल जाते हैं, यहाँ वहाँ कहीं से भी, इनका कोई एक पर्टिकुलर लाइन नहीं, वो नहीं होता है, आने का रास्ता नहीं होता, कहीं से भी ये फट के निकल जाते हैं. इट इज़ कॉल्ड अ फिशर टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन. द मॉल्टन मटेरियल्स कम आउट विद द इरप्शन स्प्रेड ऑन द बोथ साइड ऑफ फेशर्स. एज अ रिजल्ट वोल्केनिक प्लेट्यूज आर फॉर्म्ड. द डेक्कन प्लेट्यूज ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो फॉर्म्ड ड्यू टू सच अ टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन. जो ऐसे पर ज्वालामुखी है, वो ज्वालामुखी जो है दरारों के दोनों ओर से फैल जाते हैं, और ऐसे में क्या होता है, पठार बनते हैं, मतलब डेक्कन प्लेट्यू मीन्स पठार बनते हैं, जैसे कि भारत में दक्कन का पठार इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अकॉर्डिंग टू द पीरियडिकसिटी ऑफ वोल्केनिक इरप्शन थ्री टाइप्स ऑफ वोल्केन्स कैन बी आइडेंटिफाइड. तीन प्रकार के ज्वालामुखी जो है समय के अनुसार हमें प्राप्त हुए. इफ़ द वोल्केनिक इरप्शन आर रेगुलर इवन इन द प्रेजेंट टाइम देन सच वोल्केनोस आर कॉल्ड एक्टिव वोल्केनोस. ऐसे जो वोल्केनोस जो क्रियाशील होते हैं, जो कि जिसमें वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है,
ऐसे इरप्शन को हम क्या कहते हैं, एक्टिव वेल्कोनस, जो जिसमें चालू है, जैसे कि जापान में फ्लुइजामा और भूमध्य सागर में स्थित स्ट्रॉम पोली, ये जो एक जो है वेल्केनो, ये एक्टिव वेल्केनो है, अभी भी वहाँ पे वेल्केनिक इरप्शन हो रहा है। व्हेन अ वेल्केनिक हैज़ नॉट इरप्टेड सिंस लॉन्ग बट मे बिकम एक्टिव सडनली, इट इज़ कॉल्ड अ डॉर्मेंट वेल्केनो। फॉर एग्जाम्पल, इटली में वेस्युवियस और अल्कास्त स्थित काटमाई, और भारत का बैरन द्वीप, इसमें जो है ये वेल्केनिक इरप्शन है, जो कि अभी अभी उसमें इरप्शन नहीं हो रहा पर कभी भी सडनली हो सकता है। तो ऐसे इरप्शन को हम क्या कहते हैं, एक्टिव सॉरी डोरमेंट वेल्केनोस। नाउ दोज वेल्केनोस विच हैव नॉट इरप्टेड इन द पास्ट सिंस लॉन्ग एंड आर नॉट लाइकली टू इरप्ट इन द फ्यूचर आर कॉल्ड अ एक्सटिंक्ट वेल्केनो, जो कि क्रियाशील नहीं है और कई समय से नहीं है और ना होगे शायद। तो ऐसे वेल्कोनोस को एक्सटिंक्ट वेल्कोनो कहते हैं। फॉर एग्जांपल, माउंट किलीमंजारो इन तंजानिया, तंजानिया में जो किलीमंजारो है, ये ऐसा ही जो है एक्सटिंक्ट वेल्केनो का एग्जांपल है। नौ 2.18 एंड आंसर द क्वेश्चन एज द सप्लीमेंट्री मटेरियल टू दिस एक्सरसाइज, टेक हेल्प फ्रॉम द ग्लोब और फिजिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। कुछ हमें क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं जो कि हमें मानचित्र और ग्लोब का यूज़ करके हमें बताना है, जैसे कि मानचित्र का अध्ययन करके भूपट्टिका के नाम लिखने हैं, दक्षिण एवं अमेरिका में भूकंप प्रवण क्षेत्र और महाद्वीप में किस और है, वहाँ पर कौन सा पर्वत है वो बताना है, एशिया महाद्वीप में भूकंप प्रवण क्षेत्र कौन से पर्वतीय प्रदेश में है, अफ्रीका महाद्वीप में ज्वालामुखी कौन से प्रदेश में केंद्रित है, उसका क्या कारण हो सकता है, और भूकंप क्षेत्र ज्वालामुखी का वितरण और भूपटल सीमा इसमें इनमें सह संबंध स्थापित कीजिए। ये सारे जो है क्वेश्चन आपको पूछे गए जो कि आंसर देने हैं। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन बाय लुकिंग फिगर 2.18 यू विल अंडरस्टैंड द प्लेट बाउंड्रीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एरियाज ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज, मोस्ट ऑफ वोल्केनोज आर लोकेटेड ऑन द प्लेट बाउंड्रीज, सिमिलरली द अर्थक्वेक जोन आर ऑल्सो सीन इन द बॉर्डर एरियाज। मीन्स जो ये बहुत सारे जो ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी सीमा पर होते हैं, और उसी प्रकार ये जो भूकंप का जो जहाँ पर क्षेत्र बनता है, उन भूकंप के क्षेत्रों में भी ज्वालामुखी जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, नाउ द पार्ट ऑफ द प्लेट बाउंड्रीज विच स्लाइड्स अंडर द क्रस्ट सबड्यूड्स, देर इज लॉस ऑफ मेटेरियल, सच बाउंड्रीज आर कॉल्ड अ कॉल्ड प्लेट कंज्यूमिंग बाउंड्रीज, इन एरिया वेयर न्यू मटेरियल इज कमिंग अप ऑन टू द अर्थ क्रस्ट दे आर कॉल्ड द प्लेट क्रिएटिंग बाउंड्रीज, बोथ ऑफ द प्रोसेसिंग हैपन कंटिन्यूसली, दे आर शोन इन द फिगर 2.8। मीन्स भूपट सीमा के किस जिस हिस्से में भूप्रदेश भूपटल के भीतर जाता है, मतलब धस जाता है, उस स्थान पर भूपट का विनाश होता रहता है, मतलब कि जो धसते जाता है जो जगह, वहाँ पर जगह का विनाश होता है, वो जगह जो है वो डेंजर जोन में आ जाती है। ऐसे भूपट को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमिंग बाउंड्रीज। ओके, प्लेट कंज्यूमिंग बाउंड्रीज, और ऐसी जो सीमा होती है उसे, ये दोनों जो क्रिया है भूपटल में निरंतर चलती रहती है, और जो नीचे की जमीन है वो धसती जाती है। इफेक्ट ऑफ वेल्केनोस, वेल्केनोस का इफेक्ट क्या होता है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज, ज्वालामुखी के कारण क्या होता है, जीव और प्रॉपर्टीज की लॉस होती है, लाइफ और प्रॉपर्टीज की। समटाइम्स सुनामी गेट जनरेटेड ड्यू टू द वेल्केनिक इरप्शन अकरिंग बिलो ओशियन फ्लोर,
मतलब जो समंदर के अंदर वेलकोनस तैयार होते हैं उनके वजह से क्या होता है, कभी कभी सुनामी आ जाती है जिसके वजह से भी लाइफ और प्रॉपर्टीज नुकसान होता है। डस्ट स्मोक ऐश गैसेस वाटर वेपर एक्सेट्रा रिमेन्स इन द एटमोसफेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस मे क्रिएट अ इनबैलेंस इन द एनवायरमेंट। मतलब इनके वजह से क्या होता है वोल्केनिक एरप्शन से धूल धुआं राख गैस जल वाष्प आदि घटक जो है काफ़ी समय तक जो है हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं और जो कि हमारे एनवायरनमेंट बैलेंस को इनबैलेंस कर देते हैं। लैंड मे बिकम अ फर्टिलाइज ड्यू टू द वोल्केनिक ऐश। मतलब ज्वालामुखी के कारण भूमि जो है उपजाऊ बन जाती है। न्यू लैंड इज फॉर्म ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शन और एट द टाइम ऑफ द आइसलैंड मे इवन अ डिसअपीयर। लावा रस के वजह से क्या होता है विविध प्रकार के खनिज जो पदार्थ होते हैं मिनरल्स है वो तैयार होते हैं और अर्थ सरफेस के ऊपरी सतह पे आ जाते हैं मेटल्स वगैरह और कई सारी चीज़ भी मिलते हैं वोल्केनिक इरप्शन के वजह से। लैक आर फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द क्रैटर्स ऑफ दैट वोल्केनोस व्हेन रेन वाटर एक्यूमुलेटेड इन दैम। कभी कभी क्या होता है इसमें मृत ज्वालामुखी जो होती है उनके मुख के पास वर्षा पानी जो है वो संचित हो जाता है और झील तैयार होते हैं। कभी कभी ऐसे में स्ट्रीम्स तैयार होते हैं लैक्स तैयार होते हैं। बरिन आइसलैंड अंडमान अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया ऑन दिस आर्चिपेलियोगो लाइस द बरिन आइसलैंड इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो। दिस वॉल्केनो वॉज डॉर्मेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट इन द फेब्रुवरी 2017 स्टार्ट इरप्टिंग मेनली डस्ट स्मोक एंड मर्ड इज कमिंग आउट ऑफ दिस इरप्शन लॉन्ग विद सम लावा। मतलब भारत की मुख्य भूमि के आग्नेय दिशा में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इसमें यू नो वेयर इज़ द द्वीप अंडमान निकोबार और इनमें क्या है बरेन द्वीप जो है उस पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है डॉर्मेंटेड इरप्शन हो रहा है। ये ज्वालामुखी जो है वो अनेक वर्षों से है और अभी शांत है लेकिन 2017 में क्या हुआ इसमें से वापस से वोल्केनिक इरप्शन हुआ और इससे धूल धुआं और कीचड़ बाहर निकला और कुछ प्रमाण में लावा भी बाहर निकल रहा है इस अंडमान निकोबार में जो है डॉर्मेनेंट वोल्केनो जो है वो एक्टिव हो है। नाउ वी फिनिश दिस चैप्टर। ऑल ऑफ यू हैव टू राइट द क्वेश्चन एंड आंसर्स इन योर notebook and read this lesson carefully. Bye bye, take care.